वक्त दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं। पहली बार मैं इतने टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, वो क्यों बना रहा हूँ? कुछ ऐसा हो गया है? हमारे जो ये परिंदे, इनमें इतना बड़ा नुकसान हो गया। आज हमारी ये बजीज हैं, अब यहाँ पर टोटल 6 बजी हैं। लास्ट माह के हमारे जब फीमेल ने बच्चे दिए थे, इतने बजीज हो गए थे हमारे। फिर मरते 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 रहते हमारे बजीज, सब पुराने वाले बच्चे, सब बड़े बड़े मेल मेल 8 बजीज थे। फिर हमारे एक येलो और ब्लैक कलर का मेल था, जो कि हमारी पिकाचू का मेल था, वो मर गया था। उसको कोई बीमारी लग गई थी, वैसे वो मर गया था। फिर अब आज फिर हमारे 7 बजे हो गए थे, लेकिन अब रात में मैं बाहर खड़ा था दोस्तों के पास, एकदम मेरे घर से आवाज़ आई कि बिल्ली लेके, बिल्ली लेके। जब अंदर आया तो बताया कि जो हमारी येलो वाली पैरट थी, हमारी पिकाचू, उसको बिल्ली ले गई है। अब तक हमारे घर पर बजीज के इतने बच्चे हुए हैं, इस वाली फीमेल के इतने बच्चे हुए हैं, उनमें से खाली एक बची, खाली हमारी पिकाचू। और जो कि हमारे घर पर पहला बच्चा था जिसको हमने टेम करा था, हमारे पास इतने टाइम से थी, 7 महीने हो गए थे उसको हमारे पास, और हमारे साथ रह रही थी, इतनी अच्छी थी यार वो। हर वक्त हमारे साथ रहती थी, हाथ पाती थी, हर वक्त इधर बैठी रहती थी। और वो फीमेल थी यार, एडल्ट फीमेल हो गई थी। उनने अंडे भी दिए थे पर उसके अंडों में से बच्चे नहीं निकले थे क्योंकि उसने पहली बार दिए थे। अब जब गर्मियाँ कम हो जाती मैं उसकी मटकी भी लगाता, वो प्यारे प्यारे बच्चे देती यार। अब लेकिन उसको बिल्ली ले गई एकदम। ये वाला डोर खुल हुआ था और ये वाला डोर भी खुल हुआ था, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत हवा आती है ना, उधर पर भी रख नहीं रहा क्योंकि वहाँ कुछ सोफे वोफे रखे हुए हैं, जिस वजह से मैं वहाँ पर नहीं रख रहा। तो जब वो सोफे वहाँ से हट जाते तब मैं इनको वहाँ पर शिफ्ट कर देता। और हमारी पिकअप जब रात में बाहर रहती, हर वक्त ये बाहर बैठी रहती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्ली मेरे घर पर आई। मतलब दोस्तों वो बिल्ली अक्सर हमारी इधर कार के नीचे बैठी रहती है, पर वो नहीं बैठी, उसका बच्चा बैठता है, वो बैठती है। वो हमारे घर पर करीब 2-3 हफ्ते हो गए हमारे घर पर। ये आ गई दोस्तों, मुझे लगा चले गई। देखें दोस्तों, ये है, ये उस बिल्ली का बच्चा है। इसकी हमारे घर पर इतने टाइम से आ रहा है, उसकी माँ इतने टाइम से आ रही है। एक दिन ही आ गया था, हमने इनको खिलाया पिलाया, तब से ये रोज़ आने लगे। अब इन्होंने बीच में आना कम कर दिया था, पर अभी भी मुझे हर दूसरे दिन दिखे जाते हैं, मैं इनको दूध देता हूँ। देखें, ये प्यारी रखी है, इनको मैंने अभी मगरब के बाद इसको दूध दिया था। ये आ गई ना, एकदम मेरे पास आने लगी, ऐसे मतलब मुँह बनाने लगी, तो मुझे लगा इसको भूख लगी, तो मैंने उसको इसमें दूध दिया, इन्हें दूध पिया। और यकीन इसकी माँ ने भी पिया होगा, जब इसकी माँ होती है इसकी माँ भी इसके साथ साथ पीती है। और यही बिल्ली है, मुझे नहीं पता यार ये ऐसा भी करेंगी यार, लेकिन मुझे खुद एहतियात करनी चाहिए कि हमारे घर में बिल्लियाँ आ रही हैं। बिल्लियों का कोई भरोसा नहीं, उनको भूख लगेगी, वो करेंगी ऐसा। मेरी या मैंने गलती कर दी, जिस वजह से शायद इसकी माँ, मैंने मुझे नहीं पता कौन लेके आया, इसकी माँ या ये, मुझे लग रहा है ये नहीं लेके गई होगी, शायद इसकी माँ ही लेके होगी। वो यहाँ पर दिख भी नहीं रही है, अब पता है किसने किया, लेकिन इन दोनों में से किसी एक ने करा, या इसने या इसकी माँ ने, पता नहीं यार। लेकिन इसको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक नेचुरल वो है यार, बिल्ली को यार इसको भूख लगती होगी, नैर कर लिया होगा। लेकिन खैर इसका तरीका गलत था यार, हम इसको खाने के लिए देते थे, कभी कभी मैं इसको गोश्त भी डाल देता था, पर यार इससे क्या ही कह सकते हैं, इस बेचारे का क्या कसूर। खैर कोई बात नहीं यार, आगे से मैं ध्यान रखूँ कि मैं डोर हर वक्त बंद रखूँ, क्योंकि अभी मेरे घर से नहीं जाएगी, इसको यहाँ पर खाने मिलता है तो यहीं पर आएगी, तो मैं आगे से यार डोर बंद रखूँगा। हर वक्त हमारी पिकाचू उधर बैठी रहती थी, उसकी एक अलग ही कमी महसूस होगी, लेकिन अब हमें छोड़ के जा चुकी है यार। अब पता नहीं किसने किया है, लेकिन किया उन दोनों में से किसी एक ने, चाहे उसकी बेटी ने किया हो चाहे उसकी माँ ने किया हो, लेकिन उसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमारे घर की इतनी आदी हो गई है, उसको मैं खाना भी डालता हूँ यार। अब खाना मैं उसका बंद नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, मैं उसको खाने दूँगा, खाना भी मैं उसको रोज दूँगा, पर ये मैं अपने घर के डोर बंद रखूँगा, क्योंकि अब यार वो हमारी पिकाचू लेके गई है, उसकी आदत बन जाएगी। वो तो शुक्र है यार हमारी फिंचिस को इन्होंने कुछ नहीं कहा, वरना इसके बच्चे हैं, दोनों फिंचिस हैं। और अगर अब इसकी आदत बन गई है ना, किसको पता चल गया यहाँ पे पैरट्स हैं, यहाँ पे इसको खाना मिलेगा, तो ऐसे तो ये रोज़ आने लगी, इसलिए मैं डोर बंद रखूँगा, कहीं ऐसा ना हो अगली बार हमारी फिंचिस को कुछ वो कर देना। तो जिस वजह से मुझे डोर का ध्यान रखना है, और हमारी पिताजी हमें छोड़ के जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार इन सब का दाना ख़त्म हो गया था, मैं अभी इन सब का दाना लेके आया हूँ। ये भी भूखे हैं और ये दोनों भी भूखी हैं, इतनी देर से चीखे जा रही हैं, इतनी देर से बस पानी पी जा रही हैं, अभी भी इनका दाना लेके आया हूँ यार। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी, देखिए कितनी धूप है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो यार। रात आपको पता हो क्या हुआ था, हमारी पिताजी हमें छोड़ के जा चुकी है यार, उसकी बहुत याद आ रही थी यार। अभी मैं अंदर गया था दोस्तों के पास, तो यार उसकी अलग ही कमी महसूस होती थी, क्योंकि वो हर वक्त बैठी रहती थी, अब वो नहीं थी, अलग ही कमी महसूस हो रही थी। तो यार वो तो यार हमें छोड़ के जा चुकी है, अब जल्दी से इन सबको दाना देते हैं, इन सबको बहुत भूख लग रही है। डक्स को दाना दे दिया, हमारी डक्स ने खाना भी शुरू कर दिया। देखें ये दाना पता कैसे खाती हैं, पहले दाना खाती हैं थोड़ा, फिर पानी पीती हैं, फिर पानी पीती हैं, फिर दाना खाती हैं, ये ऐसे खाती हैं, इनको ऐसे खाना पसंद है। और इनको भी दाना दे दिया, और अपने स्नो को भी दे देते हैं अलग उसमें, क्योंकि स्नो इनके साथ खाना पसंद नहीं करता ना, डक्स के साथ स्नो को भी दे देते हैं, और रैबिट की घास ले आते हैं अभी। और दोस्तों हमारी जो वाइट वाली कबूतरी जो इतनी मेहनत से अपने अंडों पर बैठी है, इतनी गर्मी में बैठी है, कुछ दिन में इसके प्यारे प्यारे बच्चे निकल आएंगे, बस 4 से 5 दिन और रहते हैं, फिर इसके प्यारे प्यारे बच्चे दुनिया पर आ जाएंगे। तो हमारे पास 5 बजीज रह गए, खाली ये वाली फीमेल जो इस मेल के अराउंड बैठी है, अच्छी ब्रीड करती है, बाकी वही पिकाचू इसी की बच्ची थी, पहली बच्ची थी जो कि, और इतनी हैंड टेम थी हमारी, और वही यार अब मर गई है, पहली बच्ची थी इसकी। बजने अब तक जितने बच्चे हैं सब मरे, इसके कम से कम तक 10-15 हुए जब से मैं घर पर आई, पर एक भी अच्छा नहीं होता, खाली एक पिकाचू बची है। और बाकी वाली फीमेल अंडे देती है, पर अंडे यार ये तोड़ देती है, और ये वाली फीमेल भी अंडे देती है, पर ये भी शायद तोड़ देती है, खा लेती है, पता नहीं क्या करती है। खैर अब हम इसकी मटकी लगाएंगे कुछ दिन में, और इंशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, फिर यहाँ पर फिर से बजीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे,
अब बात आई हमारी फिंचेस की, यार इस बार ही हमें उम्मीद है यार निराश नहीं करेंगे, इस बार इनके तीनों बच्चे बाहर आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा से 5 फिंचेस हो जाएंगी, फिर हम इनको बड़े केज में शिफ्ट कर देंगे और फिर ये इनके बच्चे भी ब्रीड करेंगे, तो ऐसे हमारे पास फिंचेस बढ़ती जाएंगी। लोग एक पेयर के फिंचेस से बहुत फिंचेस कर लेते हैं क्योंकि फिंचेस बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं, पर हमारे फिंचेस ने 3 बार ब्रीड करा, अब तक इनके इतने बच्चे होते और इनके बच्चे भी अब तक ब्रीड कर रहे होते, पर हमारे फिंचेस ने कभी बच्चों को फेंक दिया, कभी खिलाया नहीं है, कभी अंडे हैच नहीं करेंगे, तो उम्मीद है यार इस बार ये ठीक से करेंगी। अभी अभी ना हमारे जो ये कबूतर का बच्चा है ये वहाँ सामने वाली दीवार पर बैठ गया, मैं छत पाया मुझे दिखाई नहीं, मैं डर के मुझे पता नहीं आ रही कहाँ चले गए, मैं खामखा डर जाता हूँ, ऐसे चले जाता कभी इधर बैठा होता कभी कहीं दूर बैठा होता लेकिन आ जाता, क्योंकि हमारे घर पर बचपन से है ना, तो ये कभी कहीं नहीं जाएगा, इतना अच्छी गारंटी है कभी कहीं नहीं जाएगा, और यकीन नहीं यार ये मेल ही होगा, तो हम इसके साथ ये वाली फीमेल बंद करने लेंगे, तो कन्फर्म फीमेल है ये वाली फीमेल, मैं आज से इसके साथ बंद करूँगा, और यकीनन अगर ये मेल हुआ तो इनका कुछ दिन में पेयर लग जाएगा, फिर ये भी अंडे बच्चे करने लगेंगे जैसे ये दोनों करते हैं ना, इन दोनों के बाद जैसे ताज़ा पानी रखो इतना खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। दोस्तों कल भी आपने ये बात नोटिस करी होगी, मैं आप सबको बताया था ना इस टाइम पे फीमेल रोज़ अपने दरवाजे में जाती है और मेल इस साइड खड़ा होता है और मतलब उस देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा बाहर उड़ से, और आज भी देखें ये गई है रोज़ जाती है, खैर देखते हैं यार ये कब अंडे देती है, मेरे ख्याल से इसको अंडे देने हैं, लेकिन देखते हैं यार ये कब तक देती है। और हमारे जो डक है ये कबूतर को तो मारता है पर हमारे रैबिट्स और स्नो से डरता है, चूसे से तब तक ये मिला नहीं है पर हमारे स्नो से भी बहुत डरता है, स्नो ही कहीं होगा, और रैबिट से भी बहुत डरता है, अगर रैबिट आते हैं भाग तो एकदम ये डरता है, पर ये कबूतर पर बस अपनी ताकत दिखाता है। आह 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 दोस्तों कबूतर को मैंने शाम का खाना दे दिया, इनको भूख लगी हुई थी, अब ये मज़े से खाते रहेंगे यहीं पर। और दोस्तों हमारे पास अब अच्छे खासे परिंदे हो गए, पर फिर भी अगर मैं दाना डालता हूँ तो ऐसा नहीं कि सब एक साथ आके यहाँ पर खाएंगे, मिलजुल के खाएंगे, और मतलब ज़्यादा से परिंदे भी लगेंगे तो सब मिलजुल के खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, इनको देखने में अच्छा लगेगा, पर दाना ज़मीन पर डालो खाली हमारे कबूतर खाने आते हैं, हमारी डक्स को अलग चाहिए अलग बर्तन में, स्नो को अलग बर्तन में चाहिए, और हमारी चूज़े गांगा ही कहीं होंगे इनको अलग चाहिए, और इन दो को अलग ही चाहिए, सब मिलजुल के नहीं खाते, सब एक दूसरे से तो डरते हैं ना ही इनकी आदत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं आदत डालूँ सबकी एक साथ खाने की और ज़मीन पे खाने की, क्योंकि ऐसे खाते हुए एक तो ये अच्छी भी लगते हैं और सब मिलजुल के खाते हैं तो ऐसे अच्छा भी रहेगा। मुझे पता था डक्स को पानी पसंद होता है, पर ये नहीं पता था इतना पसंद होगा कि हर मिनट पर पानी पीती है, ये हर मिनट पर पानी बस पानी पीते रहती हैं। दोस्तों मैंने इनको अपने हाथों से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर इतनी देर से अपना हाथ आगे करके बैठा हूँ, ये दोनों आ ही नहीं रहे, अभी ये इसमें खाना खाना चाह रहे थे पर मैंने इसमें दिया ही नहीं, मैंने अपने हाथ पर रख लिया, मैंने सोचा यार इनको टेम करेंगे पर ये खा ही नहीं रहे, लेकिन अभी इनका पेट भर हुआ जिस वजह से ये नहीं खाते होंगे, और एक तो इनको डर भी है, पर जिस दिन ये अच्छे से भूखे होंगे उस दिन मैं इनको खिलाऊंगा और इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, यार ये बहुत अच्छे ट्रेन होंगे मुझसे। नो क्या कर रहे हो उधर पे, मिट्टी खा रहे हो? दोस्तों इतनी देर से यहाँ पे मिट्टी खा रहा है और इसकी फिर से एक बहुत गंदी आदत पड़ गई है, इसको दोपहर में खोलो दोपहर से लेकर शाम तक 6 बजे तक तो ये कुछ खाता ही नहीं है, 6 बजे के बाद ये दाना खाना शुरू करता है और छत पे जो भी मिट्टी उट्टी पड़ी होती है उसको खाना शुरू करता है, पेट भर के अच्छे से खा तो लेता है, ये शाम के टाइम 6 बजे खाना शुरू करता है और भर के खा तो लेता है, इसका पेट भर तो जाता है पर पूरे दिन भर कुछ नहीं खाता, खाली इसने अपने एक टाइम सेट कर लिया कि शाम को खाना, पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाना, यार ऐसे तो ठीक नहीं है ना, ऐसे तो ये ज़्यादा हेल्दी भी नहीं रहेगा अगर ये खाली शाम में खाएगा पूरे दिन भर कुछ नहीं खाएगा, ऐसे तो इसलिए ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से यार की वजह वो है इसका अकेलापन, हमें इसका अकेलापन जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा क्योंकि छत पर सबके दोस्त हैं, खाली के स्नो का नहीं है, तो हम बहुत जल्द स्नो के लिए उसके जैसे ही दोस्त लेके आएंगे उसी की ब्रीड का, तभी इसका अकेलापन दूर होगा, तभी हमारी छत पर अच्छा फील करने लगेगा, पहले की तरह खुश रहेगा, तभी अच्छे से शौक से ये दाना खाएगा, तो हम इसका अकेलापन बहुत जल्दी दूर करेंगे, इसके लिए इसके जैसा एक दोस्त लेके आएंगे अच्छा सा, तो ये भी हम बहुत जल्दी करेंगे, तो बस ये था दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।